ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसका करना चाहिए? उसकी विधि क्या है? जो ध्यान का अर्थ बताया जाता है वह है मन का संकल्प शून्य हो जाना। ध्यान का आमतौर पर अर्थ होता है बाहर की चीजों का ध्यान करते रहना। संकल्प और विकल्प में डूबते उतराते रहना, किसी बात का कुछ ध्यान आ जाना। लेकिन अध्यात्म में ध्यान का अर्थ है चित्त का संकल्प शून्य होना। किसी महापुरुष पर ध्यान करने का मतलब है कि पहले पहल मन एकाएक संकल्प शून्य नहीं होता, इसलिए पहले पहल किसी महापुरुष के चित्र मूर्ति इत्यादि का ध्यान करना ठीक है। लेकिन यह ध्यान रहे कि जो चित्र है, जो मूर्ति है, वह भी एक विषय है। जैसे कोई आदमी बहुत समय से चला ना हो तो उसके पैर काम करना बंद कर दिए हों, तो अच्छा है कि वो बैसाखी लेकर के चले, लेकिन बैसाखी उसका स्वभाव ना बन जाए। बैसाखी तब तक जब तक कि पैरों में शक्ति ना आए। जब पैर मजबूत हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो बैसाखी छोड़ दी जाए। कोई ध्यान करने बैठे और क्या ध्यान कर रहा उसे समझ ही नहीं है। कोई नाम जप करता है, कोई गुरु के चित्र का ध्यान करता है, नाद बिंद या सांस का आना और जाना, इन पर अपना ध्यान लगाता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि ये थोड़े समय के लिए ही है, लगातार उस पर नजर रखें। जब कोई बहुत भक्ति कर लेता है, बहुत चित्त को एकाग्र कर लेता है किसी चित्र पर, किसी मूर्ति पर, तो फिर उठते बैठते उसको वही स्वप्न आते रहते हैं। लोग कहेंगे गुरु जी हमारे सपने में आए थे, भगवान ने हमको सपने में दर्शन दिए थे। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी चित्त वृत्ति हमेशा किसी एक चेहरे पर, एक चित्र पर लगातार घूमती रहती है, वही दिमाग में चलता रहता है। तो ये तो तुमने बैसाखी को अपने शरीर का हिस्सा बना लिया, इसको ऐसे समझा जाए। तो ध्यान के प्रारंभ में जिसकी जिस पे श्रद्धा हो, निष्ठा हो, उनके चित्र का आलम बन ले, सहारा ले। लेकिन उससे संकल्प शून्य नहीं हो जाते हैं आप, इस बात का ध्यान रहे। वो सहारा भी एक दिन छोड़ना चाहिए,
तभी फिर आगे बढ़ते हैं। प्रातः और सायं ध्यान करने का अच्छा समय है। वैसे जब समय मिले ध्यान के लिए बैठना चाहिए। ध्यान का जो सुख है वो सर्वोच्च है। जिसका चित्त ध्यान में लगता है उसका मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है, उसे एकाग्रता एवं शांति मिलती है, संतुलित मन वाला हो जाता है। एक डॉक्टर कहते थे कि मैं बहुत छोटा था तब मेरे गुरु ने मुझे कुछ मंत्र सिखाए थे, आधे घंटे कही कि आधे घंटे की प्रार्थना और नाम जप। वो कहते थे मैं अभी भी करता हूँ, गाड़ी में चलता हूँ पीछे बैठा रहता हूँ तो मेरा चित्त दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाता है। अभी घर से निकला हूँ और हॉस्पिटल तक जाना है, शांत बैठा रहता हूँ और 25 से 30 मिनट लगते हैं तब तक मैं अपनी प्रार्थना कर लेता हूँ। और जब हॉस्पिटल में मरीजों को देखना शुरू करता हूँ, वो कहते थे भीतर एक जाप सा चलता रहता है मेरे, और पेशेंट देखता रहता हूँ, मरीज देखता रहता हूँ, अब जो डॉक्टर इस ढंग से काम करता है, मरीज ज्यादा आए या मरीज कम आए, फीस ज्यादा मिल रही है या फीस कम मिल रही है, दूसरे डॉक्टर के पास ज्यादा मरीज आते हैं मेरे पास कम आते हैं, ये सारी चिंताओं से तो उसका चित्त एकदम शांत रहता है, मुक्त रहता है। ध्यान से एकाग्रता एवं चित्त की शांत होती है, वह संतुलित मनवाला हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का भागी होता है। उसका शरीर और उसका मन दोनों संवर्धित होते हैं। साहब लिखते हैं, आरंभिक साधना में किसी वैराग्यवान संत पुरुष का ध्यान करना चाहिए या जिसके प्रति भाव हो। वैसे सच्चा ध्यान इन सारे संकल्पों का शून्य हो जाना है। बूंद बूंद से घट भरे पुस्तक पढ़ी जा रही थी, अब वो घड़ा भर गया है, अब दूसरा घड़ा उसकी जगह लाया गया है। तो प्रश्नोत्तरी गुरुदेव जी की पुस्तक है, इसको पढ़ा जा रहा है। पानी नहीं बरसने से लोग सूखे से परेशान हैं, क्या कोई शक्ति नहीं है जो पानी बरसा दे? जिस शक्ति से पानी बरसता है वह प्रकृति की शक्ति है और वह जड़ है। उसको ज्ञान नहीं है।
जब स्वाभाविक योग्यता होती है तो पानी बरसता है। यदि पानी बरसाने वाला कोई दृष्टा चेतन हो तो वह इतना निर्दय नहीं हो सकता है। पंडित, मौलवी, पादरी, इन्हें आज तक यह ज्ञान नहीं हुआ है कि पानी बरसने का कारण जड़ प्रकृति है, कोई चेतन सत्ता नहीं। और ये बेचारे पानी बरसाने के लिए यज्ञ, हवन, प्रार्थना, नमाज सब करते रहते हैं। कोई ऐसा अलग नहीं है जो पानी बरसा दे। जब मानसून का समय आता है भारत में, तब हिंद महासागर में से उठना शुरू होता है यह, और केरल आता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी से उठता है। इन दोनों जगहों से मानसून उठता है और वो धीरे धीरे करके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए तब उत्तर भारत आता है, और एक दूसरा बंगाल की खाड़ी से उठता है तो उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार, झारखंड होते हुए आता है। तो यहाँ पर बारिश होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी बारिश शुरू हो चुकी है, उसका एक विधान है, उसका एक नियम है, हजारों लाखों वर्षों से ऐसे ही होता आया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पहले बारिश कभी हिमाचल में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हो जाए और बाद में वो केरला में हो, ऐसा नहीं होता है। उसका एक नियम है, उसी नियम के तहत बारिश हो रही है, उसमें कोई कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ज्यादा। प्रश्न है, कई प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। जो व्यक्ति पहले बाल बच्चों में फंस चुका है और पीछे वह वैराग्यवान हो गया, साधु दशा से रहने लगा, तो क्या अब पहले के संस्कार उसे मुक्ति में बाधा बनेंगे? क्या वह इसी जीवन में मुक्त हो सकता है? ये प्रश्न है। गुरुजी लिखते हैं, पहले कोई क्या रहा इससे मतलब नहीं है, आज वह कैसे है इससे मतलब है। पहले जो लोग वैवाहिक जीवन जिए, आगे चल कर वे वैराग्य करने लगे और उच्च वैराग्य वाले हुए, जैसे तथागत बुद्ध, भर्तृहरि, श्री काशी साहेब, श्री लाल साहेब। कुछ शुरू से विवाह रहित हैं लेकिन उनका मन ढीला होता है, जिसका मन आज वर्तमान में पूरी तरीके से राग रहित हो गया वही मुक्त है। और हर व्यक्ति अपने मन को राग रहित करने में स्वतंत्र है। पहले
कैसा था, क्या किया, इस पर आज का वर्तमान निर्भर नहीं करता। चार खास शिष्य हुए, किन्हीं को याद आता है? कौन कौन से चार शिष्य थे कबीर साहब के? हिरेन साहब, कबीर साहब के कुछ खास शिष्य कौन थे शुरुआती दौर में? भाई जो हिरेन साहब है वही बोले। और हिरेन साहब बताइए। और गणेश जी, कबीर साहब के शिष्य चार प्रमुख शिष्य बताएं। रामेश्वर साहब, चार प्रमुख शिष्य बताएं कबीर साहब के। भगवान साहब और श्रुति गोपाल साहब और धर्म साहब और जागू साहब। कबीर साहब के चार, अपने समय में चार खास शिष्य माने जाते हैं। पहले वो जो आपने बताया श्रुति गोपाल साहब, भागू साहब, जागू साहब, धर्म साहब। भागू साहब को भगवान साहब थे। इनकी परंपरा में बीजक का पाठ पठन होता रहा है। जागू साहब, आज ये सब अलग अलग हैं, ये कबीर पंथ से अपने को अलग मानते हैं। धर्म साहब के अनुयायी और पारक सिद्धांत में क्या अंतर है? कबीर साहब तो एक थे, उनके चार मुख्य अनुयायी श्री धर्म साहब, श्रुति गोपाल साहब, भगवान साहब, श्री जागू साहब, इनके अनुयायियों में मतभेद क्यों है? इन चारों में जो धर्म साहब की जो शाखा है उसका विकास ज्यादा हुआ है, उसके अनुगामी ज्यादा हैं, उनका नाम ज्यादा है। श्रुति गोपाल साहब काशी कबीर चौरा में रहे सदगुरु विशाल साहब के बाद। धनौती इत्यादि भगवान साहब की, जिन्हें भागू कहा जाता है, उनकी शाखा है। बिद्दूपुर वगैरह में जागू साहब की शाखा है। तो पूछने वाले ने पूछा है एक प्रश्न कि इनके अनुयायियों में आपस में इतना मतभेद क्यों है? गुरु जी ने लिखा, संसार का स्वभाव है विभिन्नता। सदगुरु कबीर के ये चार मुख्य शिष्य माने जाते हैं और इन चारों की परंपरा में पारक सिद्धांत के विचारक रहते थे। फिर क्या हुआ,
कि धर्म साहब ने भक्ति पक्ष को लेकर के समाज को ज्यादा प्रभावित किया और उनके जो अनुयायी हैं, धर्मदासी जो लोग हैं कहे जाते हैं, उन लोगों ने चाहे जैसे भी हो भक्ति महिमा चमत्कार का पक्ष लेकर समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। लेकिन उनके यहां भी पारख सिद्धांत की चर्चा रही है। कबीर मंसूर और कबीर पुराण ये दो ग्रंथ हैं, कबीर मंसूर और कबीर पुराण। जैसे देवताओं के नाम पर पुराण है वैसे कबीर साहब के नाम पर पुराण है, और कबीर मंसूर एक मोटा ग्रंथ है। इन सब में चमत्कार महिमा 52 कसनियाँ उनकी सबकी खूब चर्चा है, लेकिन उसमें पारख सिद्धांत पर एक अलग से चैप्टर है, एक अलग से पाठ है। इसलिए पारख सिद्धांत पूरे कबीर पंथ में व्याप्त है, उसका कबीर पंथ की किसी शाखा से विरोध नहीं है, वह सभी शाखाओं में पनप कर बढ़ा है। श्रुति गोपाल साहब का कबीर चौरा काशी, भागु साहब का धनौती मठ, फतुआ पावा इत्यादि पारख सिद्धांत के गढ़ रहे हैं। वहीं से प्रेरणा पाकर गुरुदयाल साहब, राम रहस साहब, मेही साहब, ये सब संत होते रहे हैं, और धर्म साहब की शाखा में भी पारखी संत आज तक होते आए हैं। बूझ लिखते हैं, पारख किसी की बपौती नहीं है, यह जीव का सहज स्वरूप है। सब कुछ को जो अपने से अलग कर दे और अपने ज्ञान में स्थित रहे वही पारखी। जो प्रश्न था कि धर्म साहब के अनुयायी और बाकी जो उनके साथी थे, श्रुति गोपाल साहब, भगवान साहब, जागू साहब, इन लोगों में कैसे अंतर आ गया, तो धर्म साहब की शाखा ने भक्ति पक्ष को ज्यादा उजागर किया, ज्यादा महत्व दिया और वो आगे बढ़ गए। लेकिन इन सभी की परंपराओं में कबीर साहब का जो पारख सिद्धांत का ज्ञान है वो सब जगह रहा है। नाम जप क्या है, उसका फल क्या है? नाम जप, अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग भिन्न नाम जपते हैं, ओम राम कृष्ण वासुदेव शिव गुरु अल्लाह। जिसकी जहां श्रद्धा होती है उस परंपरा के अनुसार वो नाम जप करता है। कोई भी पवित्र अभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक है, यह ध्यान रहे। अंततः सब नाम काल्पनिक हैं। जो सब नामों की कल्पना करता है उस अपने आप को पहचानो। बस सबसे बड़ा जप है मन के विकारों को छोड़कर अपने आप में शुद्ध ठहर जाना, बस यही उसका फल है। अंग्रेजी में एक कवि हुआ है W.B. Yeats, Y.E.A.T.S. Yeats, W.B. Yeats। W.B. Yeats ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं चर्च गया, वो ईसाई था,
तो ईसाई पादरी ने कहा कि तुम अपने चित्त को शांत करने के लिए प्रभु का नाम जपा करो। प्रभु माने ईसा या ईसा के पिता। ईर्ष ने कहा, मैं छोटा था, मैं अपने घर आया और कमरे में बैठ करके मुझे अपना नाम ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैं अपने ही नाम का जाप करने लगा और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद मैंने पाया कि मेरा चित्त बहुत शांत हो रहा है एकदम। तो जब मैं अगली बार उस पादरी से मिला, उसने कहा, नाम जब करते हो? मैंने कहा, हाँ करता हूँ, उससे मुझे लाभ है। उन्होंने कहा, हाँ परमात्मा का नाम ही सुखदायी है। उन्होंने कहा, पर नाम तो मैं अपना ही जपता हूँ। ईसाई पादरी ने तुरंत कहा, सारे नाम उसी के हैं। उसने तुरंत बात को संभाला, सारे नाम उसी के हैं। तो नाम कैसे भी हो, आप जाप करें, उसका फल यही है कि चित्त शांत हो जाए, बस हो गया। क्या नाम जपते हो उसका कोई मूल्य नहीं है। अभ्यास काल में मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन उससे उठने पर चंचल हो जाता है। ये सबकी दशा है, क्या करें, हमेशा मन वश में रहे। गुरु जी ने उसका जवाब दिया है, अभ्यास काल में मन शांत होने का प्रयास करता है तो थोड़े समय के लिए वह एकाग्र हो जाता है। हमेशा चित्त की दशा शांत बनी रहे, इसके लिए चित्त से विषयों का वैराग्य चाहिए। जितना चित्त रागवान होगा उतना मन संसार में भटकेगा। और वैराग्य को बढ़ाने के लिए विवेक चाहिए, जो कि स्वाध्याय, सत्संग एवं सद्विचार से दृढ़ होता है। इन सब के लिए एक लगन चाहिए। वैराग्य के बिना कोई भी अभ्यास अधूरा है। यदि कोई चाहे कि मन की एकाग्रता बनी रहे, मन वश में रहे, तो दो चीज का ध्यान दे, एक तो चित्त के वैराग्य की दशा और दूसरा अभ्यास। अभ्यास छोड़ देगा तो भी काम नहीं बनेगा, और चित्त से वैराग्य शून्य हो जाएगा तो भी काम नहीं बनना। जिसको हम भूलना चाहते हैं वह बारंबार मन में क्यों याद आता है? क्योंकि तुम उसको महत्व देते हो, इसलिए। जिसे भूलना चाहो उसको किसी प्रकार महत्व ना दो, बस। वासना को जीत लेने वाले पुरुष की देह छूटने पर क्या दशा होती है? फिर से इस प्रश्न को सुने। वासना को जीत लेने वाले पुरुष की देह छूटने पर क्या दशा होती है? विदेह मोक्ष। यह गुणातीत दशा है। देह रहते रहते जो सभी विकारों से शून्य हो गया है,
वह देह के न रहने पर भी इससे भिन्न असंग दुखहीन और सदैव के लिए परम शांत दशा में रहता है। इसकी ज्यादा व्याख्या संभव नहीं है। अगला प्रश्न, मृत्यु क्या है? ये जीवन का अंत है या दूसरे जीवन की तैयारी है? मृत्यु वर्तमान जीवन का अंत है और भविष्य के जीवन की तैयारी। लेकिन ज्ञानी पुरुष की मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। 1 आदमी जिसका मन दुनियादारी में बंधा है वो तो भी दुनिया के ही चक्कर लगाएगा, उसी में उसका आना जाना है। एक जीवन खत्म होगा और अगले जीवन के लिए वो तैयार बैठा है, टिकट कटा हुआ है, रिजर्वेशन पक्का है। इस शरीर को छोड़ो और इस शरीर के भोग कर्म फल भोग भोगो, आगे यात्रा पर निकलने की पूरी तैयारी है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, साहब लिखते हैं, उसके अनंत जीवन की शुरुआत है। अब उसका वो शरीर में आना, देह धरना, दुखों को भोगना, ये सबसे वो अलग हो गया, मुक्त हो गया, अनंत जीवन। एक प्रश्न और पढ़ता हूं। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, ये एक देवता या एक खुदा को मानते हैं बस। ईसाई प्रभु को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, पारसी अहुर मजदा को पूजते हैं, जैन शायद जिन को, जिन यानी महावीर और उनकी परंपरा के लोग, बौद्ध बुद्ध को। लेकिन हिंदुओं में अनेक देवताओं के मानने वाले लोग हैं, कोई शिव, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हनुमान, कोई काली, कोई दुर्गा, ऐसा क्यों? इस प्रश्न पर पहले भी एक बार थोड़ी हल्की चर्चा हुई थी कि जो हिंदू समाज है वो बहुत पुराना है। जैसे एक नदी है, वो नदी बहुत दूर से चलती है और बहुत दूर से चल करके समुद्र में मिलती है, तो जानते हैं क्या होगा? वो नदी जो बहुत दूर से चलती है उस पे अनेक नदियां मिलेंगी, तब जाकर के कहीं वो समुद्र में प्रवेश करेगी, क्योंकि बहुत दूर से चलती है। एक ट्रेन जो कश्मीर से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है, उस ट्रेन की दूरी बहुत ज्यादा है, उसके स्टॉपेज ज्यादा होंगे, उसमें सवारियां ज्यादा होंगी, और वो ज्यादा दूरी तय करते हुए, ज्यादा लोगों को लेते हुए वो कन्याकुमारी जाएगी। और एक ट्रेन है जो थोड़ी दूर के लिए जाती है तो उसके स्टॉपेज भी कम होंगे, वो समय भी कम लगाएगी और उसमें सवारियां भी कम होंगी। इस बात को ऐसे समझें, एक नदी है गंगोत्री से निकलती है, उसे गंगा कहते हैं,
छोटी सी एक धारा होती है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है। एक लेखक ने लिखा, मैं अमरकंटक गया नर्मदा नदी का स्रोत देखने के लिए तो मन दुखी हो गया। वो सोचे थे कि यहां से नर्मदा निकलती है तो जरा थोड़ा विस्तार होगा उसका। वो कहे जब वहां गया तो छोटा सा कुंड बना था, उसमें पानी का बुलबुला उठता था हल्का सा। बस लोगों ने बताया बस ये बुलबुला हमेशा 365 दिन लगातार निकलता रहता है और आगे एक टैंक बना हुआ, उस टैंक में पानी भरता रहता है, हम लोग उस टैंक में नहाते हैं। उन्होंने लिखा मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं व्यर्थ में इतनी दूर आया, इससे बढ़िया तो मेरे घर का पानी है, वो भी जरा जोर से निकलता है। तो गंगोत्री गंगा ऐसे ही निकलती है, फिर उसमें भागीरथी, अलकनंदा और न जाने कितनी नदियां मिलती चली जाती हैं। वो पहली खास नदी यमुना मिलती है प्रयाग में, तब जाकर के संगम होता है उनका, तब पानी को विस्तार मिलता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो नदी आगे बढ़ती है, बनारस में, बिहार में, उसके पहले गाजीपुर में, उसके पहले अयोध्या में, सरयू, इतनी सारी नदियां उसमें मिलती जाती हैं, तब वो नदी जाती है बंगाल की खाड़ी में, जहां उसे हुगली कहते हैं। बहुत सी नदियां उसमें समाहित होती हैं। हिंदू जो समाज है वो बहुत पुराना है, उसमें अनेक देश काल परिस्थितिवश तमाम देवता, तमाम महापुरुष, तमाम कर्मकांड, तमाम परंपराएं जुड़ती चली गई हैं और वो आज भी बची हुई हैं, बसी हुई हैं। इसीलिए हिंदुओं में ये सब शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, काली, दुर्गा, ये सब हैं। और दूसरी बात एक और कही गई थी कि जो हिंदू समाज है उनके धर्म में दर्शन जुड़ गया है। दर्शन मतलब होता है विचारधारा। इस्लाम इत्यादि में दार्शनिक पक्ष बहुत कमजोर है, उनमें दर्शन नहीं है, इसलिए वो कट्टर हो गए हैं। हिंदुओं में दर्शन है, दर्शन माने फिलॉसफी, विचारधारा, इसलिए हिंदुओं के यहाँ कट्टरता नहीं आ पाई है। और ये कट्टर ना होना अच्छा है। इस्लाम में तो थोड़ी थोड़ी बातों में ब्लास्फेमी लगा दी जाती है, ब्लास्फेमी माने ईश निंदा। हजरत मुहम्मद का चित्र अगर कोई आदमी बना दे तो मुल्ला जो फतवा जारी कर देगा कि चित्र बनाने वाले का सिर काट करके कोई लाएगा तो उसको 10 लाख रुपया इनाम देंगे। तो 10 लाख रुपया के इनाम के लालच में तो बहुत लोग काटने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हजरत का चित्र बना दिया, बस इसलिए। उनके यहां चित्र नहीं बनाया जाता, ना भगवान का बनाया जाता है ना हजरत का बनाया जाता। हजरत माने मोहम्मद। हिंदुओं के यहां तुम राम का चित्र नहीं बना सकते हो, नहीं पसंद है तो कृष्ण का बना लो, कृष्ण नहीं पसंद है तो सीता बना लो, कोई भी बना लो। क्योंकि इनके यहां लचीलापन बहुत है। थोड़ा इसको सुन ले, हिंदुओं की परंपरा अन्य सभी परंपराओं से बहुत पुरानी है। अलग अलग देश काल में अनेक महापुरुष और काल्पनिक देवता इसमें समाते चले गए हैं। हिंदू समाज सदैव से ही फ्लेक्सिबल रहा है, यह सबको अपने में समेटता रहा है। ऋग्वेद में कृष्ण की चर्चा इंद्र विरोधी
यज्ञ विरोधी आर्य विरोधी एक नायक के रूप में है, उसका इंद्र से युद्ध हुआ और समय के प्रवाह में वही कृष्ण एक दिन आर्यों का परम देवता हो गया। समय संयोग से हिंदुओं के शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं की पूजा करने की बात होने लगी, और जब ये देवता भी कम पड़ गए तो वो मुसलमानों के हसन हुसैन और गाजी मियां को पूजना शुरू कर दिए। खास बात यह है कि हिंदू समाज धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, जिद्दी नहीं है, मुलायम है, यही उसकी विशेषता है। लेकिन इस प्रकार जगह जगह सर पटकने वाला होने से वह दिग्भ्रमित भी है। जो बाकी के संप्रदाय हैं वो एक ही देवता के सामने सर पटकते हैं। मुक्त होने के लिए जड़ चेतन का ठीक से ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसके लिए विवेकियों का सत्संग करो, बस। ये सर पटकना, वो चाहे एक देवता के सामने सर पटको या कि सैकड़ों देवताओं के सामने सर पटको, इससे मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार ये कुछ थोड़ी सी चीजें यहां से पढ़ी गई, साहेब बंदगी।